एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने PBR स्टडी में। दोस्तों, आपने क्लास नंबर 37 देख लिया, क्लास नंबर 38 देख लिया और अब हम उपस्थित हैं क्लास नंबर 39 लेकर के। जी हाँ, क्लास 8 की ये मैथ है। क्लास नंबर ज़्यादा बढ़ जाए इससे कोई टेंशन मत लेना, हर एक पार्ट आपको समझ में आए हमारी ये जिम्मेदारी होती है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय। चलिए शुरू करते हैं, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। एक अपरिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है जिसका हर, मतलब हर बोले तो न्यूमरेटर, उसके अंश अर्थात डिनोमिनेटर से 3 अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। परिमेय संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्या कह रहा है सवाल। कह रहा कि परिमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है, तो यहाँ पर बात हर अंश की हो रही है, ठीक ना। और किस पे क्या डिपेंड है, हर उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब आपको पहले अंश पता होना चाहिए। क्या लिखोगे, माना परिमेय संख्या का अंश बराबर कितना है, x है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसका जो हर है उससे 3 अधिक है, तो यहाँ पर आप फिर से लिखोगे इसलिए परिमेय संख्या का हर x+3, मतलब उससे 3 अधिक। आप समझना क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए। देखो सिंपल सी बात है, अगर अंश दिया है 3 और हर दिया है 5, तो परिमेय संख्या क्या होगी, जल्दी से बोलो क्या होगी, मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका भिन्न। अरे ये अंश है, ये हर है, अंश जो है ऊपर हो जाता है, हर नीचे हो जाता है, बस दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं, बात समझ गए ना, ऐसे ही। तो इसी तरह से जब ये अंश और हर दिया है आपको, तो परिमेय संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी x/x+3। तो ये x/x+3 ऊपर नीचे दोनों में 5 जोड़ दिया जाए कह रहा है, तो चलो हम जोड़ देते हैं। ये ऐसे हो क्या जाता है, जोड़ने के बाद परिणाम क्या आता है, 4/5 हो जाता है, 4/5। तो कह रहा कि फिर परिमेय संख्या बताओ क्या होगी, सिंपल सी बात है, हल कर लीजिए इसको, आ जाएगा तुरंत। क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, तो हम मिटा करके इसको सॉल्व करके आपको दिखा दें, हो गया ना। चलिए, मिटाने से अच्छा है कि हम आपको साइड में कहीं के दिखा देते हैं। देखिए इसको हल करोगे x+5 और ये x+8 हो जाएगा, तो फाइनल में आपका x+5/x+8 = 4/5। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 5x+25 = 4x+32 हो जाएगा। इतना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। 5x इधर ले आओगे, 4x घटाओगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको, ये 5x है, इधर लाओगे 4x और ये 32 में से उधर जाएगा तो 25 घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7, मतलब x की वैल्यू आ गई 7। अब आप समझ गए मामला क्या होने वाला है, समझ गए ना, समझ गए तो तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए बिना देर करे हुए, जल्दी से आंसर आ गया आपका। देखिए सवाल से अब मतलब नहीं है, काम बन गया तो इसको हटा दो यहाँ से। अब चलिए, अब क्या करना है, x का मान 7 आ गया ना, हमने माना था परिमेय संख्या का अंश क्या माना था, x, अंश x बराबर 7, तो हर x+3/7 = 10। जब अंश और हर आ गया तो परिमेय संख्या कितना हो जाएगी, 7/10, बात समझ गए ना, नोट कर लीजिए जल्दी से, छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर कोई सवाल है तो बताइएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए एक होमवर्क लिखिए, तुरंत जल्दी से लिखिए, इसी सवाल पर डिपेंड है वो भी, अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, जल्दी करें, जो चीज़ छूट जाए वीडियो को पीछे करके और रोक रोक करके लिख लें, वीडियो को डाउनलोड कतई ना करें, अगर फ्री की क्लास चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर करते जाइएगा, बाद में नहीं मिलेगी तो मत कहिएगा। ऑनलाइन देखिए, अगर आपको समस्या है तो नंबर पर संपर्क करिए, परमिशन लीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा।
एक अगला सवाल है, वो क्या कह रहा है, इसको होमवर्क करना। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से क्या है, दो अधिक है। एक परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से दो अधिक है। यदि परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या क्या होती है, उसका मान, मतलब नई प्राप्त संख्या का जो मान है वो 100 हो जाता है। तो परिमेय संख्या बताइए, व्हाट इज द रैशनल नंबर, इसको बताना, कमेंट करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं तुरंत इन्हीं बातों के साथ, और उसको भी देखते जाइएगा। ये 184 पे है पहला, ठीक है। इसको आप घर से करिएगा, ये कैलाश की मीरा और उसके बारे में बात हो रही, दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आप कोशिश करना और हल करके इनका उत्तर कमेंट करना, ठीक ना, ट्राई जरूर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूँ, जल्दी करें तुरंत। कह रहा कि इस समय मीरा की आयु उसकी माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। मतलब अगर मीरा 12 साल की है तो उसकी माँ 48 साल की है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु माँ की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद माँ की आयु जो है वो क्या होगी, मात्र 3 गुनी रह जाएगी, जो 4 साल है, ठीक। तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है। अगर आपने पहला दूसरा पार्ट देखा इसका तो जरूर कर ले जाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट है, कैलाश के बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। यदि बगीचे का परिमाप, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल 40 मीटर, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रॉथ ऑफ गार्डन। ये गड़बड़ है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बताना है, ठीक है। लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। इन सवालों को आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछना, सब बताया जाएगा, ठीक ना। तो ये क्लास बस यहीं तक, अब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन चलते चलते कुछ होमवर्क और भी देंगे, उसको भी नोट करना, इसको भी बताना कमेंट करके, कोशिश करना, सब आएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और हाँ, जो लोग VIP क्लास चाहते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे सारी क्लास चाहते हैं, वैसे YouTube पर अब लगभग सारी क्लास आपके लिए फ्री कर दिया गया, सभी के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, सब फ्री। लेकिन अगर आप क्लास WhatsApp पर चाहते हैं, YouTube पर आपको कोई क्लास देखने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक ना, 9793488448, याद रखिएगा ये 448 है, 448। इस पर आपको कुछ चार्ज पेमेंट करना होगा 549 का। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो मैसेज बिल्कुल मत करिएगा व्हाट्सएप पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, नोटिफिकेशन की बटन को, और फ्री में देखते रहिए, ठीक ना। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, थोड़ा देर बाद, यानी कि 6 बजे से होगी DLED BTC की क्लास, उसके बाद 6:30 बजे से, 7 बजे से, 7:30 बजे और 8 बजे से, बहुत सारी क्लास हैं अभी, नॉन स्टॉप देखते रहिए। थैंक यू।